हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा टेक बस। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि उबंटू या कुबंटू कह सकते हो आप, ये हाल फिलहाल में नई वर्जन रिलीज़ हुआ है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले कि वीएमवेयर में इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो आज कुछ बंदों की रिक्वेस्ट आई है कि वर्चुअल बॉक्स में भी बता दो, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स ईजी टू एक्सेस है और थोड़ा सा आसान होता है वीएमवेयर से, और थोड़ा सा जल्दी इंस्टॉलेशन भी हो जाती है। तो दोस्तों, उसके ऊपर वीडियो बनाई है मैंने, तो जाके चेकआउट कर लो। और वीएमवेयर वाले, वीएमवेयर की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मे भी हो सकता है अभी हाल फिलहाल में इंस्टॉल किया है तो जाके चैनल पे भी देख सकते हो आप, वहाँ भी मिल जाएगी आपको। तो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर रखा है वीएमवेयर का लिंक, सॉरी वर्चुअल बॉक्स का, और जो आपका उबंटू है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड लिंक, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ से हम चलते हैं एक्सपर्ट मोड पे, और यहाँ से नाम वगैरह जो भी लिखना चाहते हो आप लोग लिख सकते हो। कुबंटू ही नाम है तो कुबंटू लिख देते हैं, 24 वर्जन है 24 लिख देते हैं। और यहाँ से जाके आईएसओ फाइल आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। डाउनलोड करने के बाद सब कुछ, सारी डिटेल आपको, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आके चेकआउट कर लेना। यहाँ से स्किप का बटन दबा देंगे और यहाँ से करेंगे अनअटेंडेड लिसन, हटा देंगे। यहाँ से 4GB रैम ले लेना, वैसे 2GB मैक्स है, जैसा कि मैंने कहा मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो आप लोग। इजी इंस्टॉलेशन के लिए मैंने थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगर किया है इसे, 40GB ले लेते हैं, 40GB में ही काम चल जाएगा हमारा। 25 GB से 40GB चाहिए होता है, वैसे आप एक्स्ट्रा ही लेकर चलना, क्योंकि और भी फीचर्स यूज़ करने हो तो फिर बेनिफिट होता है। तो सेटिंग में चलते हैं एक बार, मैंने ऑल ओवर सेट कर लिया है, और यहाँ से जाके एडवांस में जाके ये शेयर्ड क्लिपबोर्ड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप को बाय डायरेक्शनल कर देना है। सिस्टम पे चलते हैं, सिस्टम पे जाने के बाद आपको मदरबोर्ड में दिख रहा है फ्लॉपी, हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। यहाँ से वीडियो मेमोरी को आपको डिस्प्ले में जाके 128 MB कर देना है, और यहाँ से नेटवर्क में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, USB पे जाके 3.0 सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। यहाँ से हमारा सिस्टम सेटअप हो गया है, अभी करते हैं स्टार्ट। ये देखिए, स्टार्ट करने के बाद यहाँ दिख रहा होगा ट्राई और इंस्टॉल कुबंटू, उस पर जाके क्लिक कर लेना है आपको। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट रन में, मे भी हो सकता है। और यहाँ से दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ट्राई कुबंटू और आपका इंस्टॉल कुबंटू, और यहाँ से आपको लैंग्वेज वाला सेलेक्ट करने के लिए भी आ रहा है, तो ट्राई उबंटू पे क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं बिना इंस्टॉलेशन के कैसा दिखता है। वैसे मैंने वीएमवेयर की वीडियो में बताया हुआ है, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको आइडिया होगा, उन्होंने देखी भी हो शायद वीडियो। वैसे लिनक्स के बहुत कम यूज़र्स होते हैं, तो थोड़ा सा मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स भी कम है, तो उस पर जजमेंट मत करना, वो बढ़िया से मैं A to Z चीज़ें बताऊंगा। यहाँ से हम स्पीक सेटिंग में ब्रीज डार्क भी कर सकते हैं, ब्रीज भी कर सकते हैं, 2-3 सेटिंग्स दी हुई है इन्होंने पेरेंट्स के लिए, और भी ऑनलाइन भी है सेटिंग। तो वैसे मैं बता दूँ कि लाइव रन है, तो कुछ भी सेटिंग करेंगे हम यहाँ पर, तो आपको पता ही होगा कि वो सेटिंग हमेशा नहीं रहेगी, रिस्टार्ट करते ही हट जाएगी, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा हमेशा अपनी सेटिंग के लिए, मतलब अपनी सेटिंग नहीं, सॉरी सिस्टम की सेटिंग के लिए। और यहाँ से करते हैं हम अपना स्क्रीन रिजोल्यूशन सेटअप, यहाँ से दिख रहा होगा 1360x768, आप अपने हिसाब से जो मर्जी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, कोई वैसा नहीं है कि कोई भी कन्फिग्रेशन नहीं सेट होगा, कोई भी सेट हो सकता है। अब यहाँ से हमने सेटिंग कर दी है डिस्प्ले की, और अगर कोई भी अपीयरेंस वगैरह देखिए, सारी चीज़ें यहाँ से 4-5 ऑप्शन दिए हुए इन्होंने, तो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ से वॉलपेपर का भी यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। अब यहाँ से चलते हैं रिफ्रेश, और भी बहुत सारी सेटिंग्स, तो वॉलपेपर भी वगैरह दिए हुए हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और लाइव रन में तो बहुत स्मूथली चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है अभी तक, कोई भी आप जाके जो है सेटिंग्स चेक कर सकते हो, वैसा कोई इशू नहीं आ रहा है। यहाँ से अप्लाई कर दिया हमने, ये देखिए कुबंटू के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है वीएमवेयर में इंस्टॉलेशन के लिए, तो वहाँ से जाके चेक कर लेना एक बार। और यहाँ देखिए सारी सेटिंग्स सामने ही है हमारे होम पे, और यहाँ से हमने जो है सब सेटिंग्स देख लिए, वैसा कोई इशू नहीं आया है तो इंस्टॉलेशन करके देख लेते हैं एक बार कि कैसा इंस्टॉलेशन, में स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा आपको। इंस्टॉलेशन भी, इंस्टॉल कुबंटू पे क्लिक करते हैं, ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है फर्स्ट पेज आ गया है, जहाँ पे हमारा सिस्टम लिखा हुआ है। और लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अमेरिकन इंग्लिश ही सेलेक्ट करना,
और यहाँ से कोलकाता जापान जहाँ भी आप रहते हो वहाँ जाके जो है आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हो, नीचे जाके ऐसे भी सेलेक्ट कर किया जा सकता है, वैसा कोई इशू नहीं है। यहाँ से देखिए ये रीजन वगैरह यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने के बाद कीबोर्ड लेआउट, कीबोर्ड लेआउट ध्यान से सेलेक्ट कर लेना। वैसे नीचे जाके टाइप करके भी सेटिंग कर सकते हो, वैसे सामने दिया भी हुआ है तो आपने मैच कर लेना वहाँ से, ये वैसे ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट कर लेता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से तीन ऑप्शन है, फुल इंस्टॉलेशन, नॉर्मल इंस्टॉलेशन और मिनिमल इंस्टॉलेशन। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि नॉर्मल इंस्टॉलेशन पर क्लिक करो और वहाँ से जाके आप एक्स्ट्रा जो भी फीचर्स हैं वो एक्स्ट्रा बाद में भी ऐड किया जा सकता है, या जैसे जैसे यूज़ करोगे जैसे जैसे आपको पता चलता जाएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ से करते हैं सिलेक्शन और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। डाउनलोड अपडेट्स वाला बाद में देखा जाएगा, ठीक है। इरेज डिस्क और मैनुअल पार्टीशन, जब आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर रहे हो तो आप जो वो मैनुअल पार्टीशन करना है, अगर इरेज डिस्क कर रहे हो तो कोई भी रिस्क नहीं रहेगा आपका अगर वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर में इंस्टॉल कर रहे हो तो, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको। तो इरेज डिस्क पे क्लिक करके यहाँ से प्रोफाइल बना लेनी है अपनी, आपकी जो भी आप नाम रखना चाहते हो वगैरह, पासवर्ड वगैरह रखना चाहते हो, पासवर्ड वगैरह रखना जो याद रहे, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये सारी सेटिंग दिखाई है, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो बैक जाके चेंज कर सकते हो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मिनिमम 25-30 मिनट लेगा आपका इंस्टॉलेशन में, थोड़ा सा मे भी हो सकता है ज़्यादा टाइम ले। और जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा वीडियो के, वहाँ जाके इसको ग्रे कर दो, रेड कलर का दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक कर देना, ठीक है। यहाँ से रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं और रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद डन करते हैं तो रीस्टार्ट हो जाएगा आपका सिस्टम। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट रन में। अब यहाँ से एंटर मारने को कह रहा है तो एंटर का बटन दबाएंगे अपने जो कीबोर्ड में है आपके, एंटर का बटन दबाते ही आपका ये देखिए आ गया हमारा फर्स्ट लॉगिन। मे बी फर्स्ट टाइम रन करने में स्टार्ट होगा। तो यहाँ लॉगिन आ गया, एंटर पासवर्ड करते हैं जो हमने रखा था, एंटर कर देते हैं। यहाँ से हम पासवर्ड एंटर करते ही अपने सिस्टम में ओपन हो चुके हैं। ये देखिए जैसा कि मैंने ये सारी सेटिंग्स पहले ही बता रखी है आपको, ऐसा कुछ नया बता नहीं रहा, ठीक है। तो ये हमारा फुल ऑन वीडियो है, सारी चीज़ें सारी सेटअप बता रखे हैं। और इसके ऊपर बात करें तो बॉस उबुंटू से सेम एज इट इज़ मिलता जुलता है, लेकिन बस नाम चेंज कर दिया है और बहुत सारे जो है अलग टाइप का थोड़ा फीलिंग्स आती है इसको चलाने में। रन स्मूथली है, आपके जो पुराने पीसीज वगैरह हैं सिस्टम वगैरह जो कवाड़ टाइप के पड़े हुए हैं उसमें जा के इंस्टॉलेशन लिनक्स की वाला लिनक्स डाल के आप उबुंटू डाल के जो है रन कर सकते हो इजीली एक्सेस। हाँ अगर स्टार्टर है आप, मतलब आपने पहले लिनक्स कभी यूज़ नहीं किया है तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट है, विंडो की तरह फील होता है बिल्कुल। तो आप जाके रन कर सकते हो इसे इजीली, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चार्जेस नहीं है इसको इंस्टॉल करने के या ख़रीदने के, ये ऑफिशियली फ्री है। जैसे कि विंडो हमारा इधर उधर से जुगाड़ करके कर लेते हैं, बट ये ऑफिशियली फ्री है। और फीचर्स में थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, अगर विंडो यूज़र्स हो आप तो नहीं भी हो सकता, थोड़ी सी दिक्कत आए इसके अंदर क्योंकि सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है इसके अंदर। बाकी नॉर्मल जो लिनक्स यूज़र हैं उनको बाई वन ऑफ द बेस्ट है, तो इंस्टॉल कर लो इसे और देख लो, चेक करो कैसा इंस्टॉलेशन है, मतलब फील करो कि क्या है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है लाइक कर दो, कमेंट कर दो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो, लाइक कर देना अगर कुछ सीखने को मिला है तो, और सब्सक्राइब तो करते हुए जाना, कुछ ना कुछ सीखने को कभी ना कभी मिलेगा ही इस चैनल पर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा प्रॉपर वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much.